जय माँ बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी पीठ बैतूल मध्य प्रदेश में माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हुई है और विश्व भर के सबसे बड़े बड़े बगलामुखी माँ के महाविद्या के साधक माँ भगवती के इस दिव्य स्थान पर साधना किए हैं और तब जाकर माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है। बड़ी बड़ी योग समाधि लेने वाले हमारे सदगुरुदेव महाराज डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी द्वारा यह साधना की गई है। पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी द्वारा यहाँ कठोर साधना की है और विश्व का एकमात्र ऐसा माँ बगलामुखी भगवती का शक्ति सिद्ध पीठ है जहाँ से माँ बगलामुखी साधना का गुप्त मार्ग क्रिया योग भक्ति मार्ग माँ के दरबार से दिया जाता है और सभी साधक भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है और देश ही नहीं विदेश के भी भक्त श्रद्धालु माँ भगवती के श्री चरणों में आकर उनको प्रणाम करते हैं। आप एक भक्त के दर्शन कर पा रहे जो कनाडा से माँ भगवती के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसी बड़ी ही अद्भुत महिमा है। गुरु सिर्फ आपको ज्ञान देंगे लेकिन तपस्या आपको ही करना होगा। गुरु आपको वह दिव्य रहस्य प्रदान करेंगे लेकिन परिश्रम आपको ही करना होगा। आप देखें एक रहस्य वाला ऑडियो जो एक भक्त का है। बताइए क्या चाहते हो बगलामुखी माँ के दरबार से, माँ बगलामुखी पीठ से क्या मार्गदर्शन चाहते हो? जी बहुत उनका पढ़ाई बहुत करवा ली, हमने कहीं आराम नहीं और हम तीन परिवार थे जिसमें से हमारे पति का देहांत हो चुका है। ठीक है, कब हुआ आपके पति का देहांत? 4 महीने हो गए जी। ठीक है, आप क्या करते हो? तो आप अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, खेती बाड़ी दूसरे के ठेका बटाई कर रहे। एक छोटा सा बेटा मेरा 12 साल कर मैं अकेली हूँ और अपने आप में इतना कर्जा हो चुका है जिसमें मन में कुछ की कुछ खेती आ रही है। खेती भी है अपने यहाँ? खेती नहीं है जी, अपने दूसरे की ठेका कर रहे हैं अभी। हाँ, और कर्जा काय का हुआ है? अपने आप ऑटोमेटिक कर्ज हुआ है, दुकान रखे थे अपन ने जनरल का। हाँ हाँ, तो वो दुकान भी नहीं चल पाई, मतलब अच्छी सोच के लिए करे थे और थोड़ा सा मतलब ऐसे लोन गिन लेकर अच्छी सब सामान डाल लिए थे दुकान में। अच्छी शुरू शुरू में इतनी अच्छी चल रही थी और पता नहीं किसकी हाय बद्दुआ लगी क्या क्या, तो वो दुकान भी चल ही नहीं रही और मन ही नहीं लग रहा कुछ का कुछ हो रहा। और 2 दिन की बीमारी में उनकी देहांत हो चुकी है, तो बहुत ऐसे बहुत सारी परेशानी। तो YouTube में देख रहे थे मतलब माँ बगलामुखी पे दरबार की चमत्कार, तो मैंने कहा हो सकता कुछ समस्या का हल निकल जाए करके लगा दिए थे। समस्या का हल तो निकलेगा लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जी नहीं बिल्कुल मेहनत करूंगी, ऐसा कुछ अगर अपन को पता चल जाए, बस यही परेशानी जी, कुछ मार्गदर्शन मिल जाए करके लगा रहे थे। और कहाँ पे क्या है मंदिर का एड्रेस पता सब पूछ रहे थे कि मैं चली जाऊँ। मेरी बात सुनिए, जो आपके घर में परिवार में जो भी चीजें घट रही है जी उसका बड़ा कारण है, घर में जी बड़ी दिक्कत है, वो तो जी दिक्कत मैं बताऊंगा। मुझे एक बात बताइए जी कि गांव खेड़े में रहने वाले हो आप, जी आपको ये बगलामुखी माँ के बारे में कैसे ज्ञान हुआ, किस कारण आपको पता चला कि नहीं माता रानी की शरण लेना चाहिए? जी मैं ये मोबाइल में यूट्यूब में देखते देखते मतलब ऐसा थोड़ा बहुत 5वीं 4वीं लिखे पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उसमें आ रहा था यूट्यूब में कि ऐसे ऐसा चमत्कार होता है करके, तो उसमें नंबर आया तो मैंने लगा दी जी। फिर भी तो एकदम से नहीं समझ में आता ना, बगलामुखी माता ये तो बहुत बड़ी शक्ति है ना। हाँ जी क्या सुना था आपने, कैसे पता चला कि इससे, कुछ सर्च वर्च किया था क्या? सर्च नहीं, वो बागेश्वर धाम सरकार का करके दे रहे थे एड उसमें, हाँ, तो उसको देख रहे थे उसी के उसी में फिर ये माँ बगलामुखी दिव्य दरबार चमत्कार करके लेखा और ऐसे कुछ बहुत अच्छी समझ में आई और वो नंबर आया तो मैंने ऐसे बगैर ही अनजाने बिना सोचे समझे लगा दी कि कहीं से कुछ मार्गदर्शन मिल जाए करके। अब वो गलती हो गई मेरे से जी। अब ठीक है। देखिए जी आपके घर पे पितरों का प्रकोप है, अदृश्य जो आत्माएं हैं ना, जी जी उन आत्माओं का प्रकोप है और जिसे ही कुछ लोग शत्रु बाधा भी कहते हैं। जी लेकिन अगर शत्रु होता जी तो कोई एक होता, इस संसार में क्या सारे शत्रु ही हैं? जी
हर जगह भारत में अगर प्रतिदिन आप गणना करोगे मरने वालों की, तो बहुत सारे लोगों की गणना होगी। हाँ जी कुछ लोग दवाई से मर रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो जी सब मनुष्यों की आयु उनके भाग्य के अनुसार उन्हें मिली है, जी जी और आयु के जो देवता है वो है शनिदेव। जी तो आप माँ बगलामुखी माता जी का व्रत करना चालू करिए। जी किस दिन करते हैं जी? ऐसे नहीं करते हैं व्रत, मनमानी तरीके से दिन और रात को नहीं करते हैं। जी इनकी सबसे पहले दीक्षा होती है, दीक्षा जी संकल्प लेने के बाद फिर विधिवत पद्धति से गुरु मार्गदर्शन में फिर हमें मार्गदर्शन ये बगलामुखी माँ की जी पूजा करना पड़ता है। जी तो माँ की कृपा प्राप्त होगी और सब मंगल मंगल होगा। फिर जी तो आप सबसे पहले माँ भगवती का दीक्षा संकल्प लीजिए। जी दीक्षा जी संकल्प दीक्षा हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आप माँ भगवती की पूजा आराधना करोगे। जी जी ऐसे मनमाने तरीके से माँ की साधना, माँ के अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये हाँ जी बस शक्ति से ऐसा कोई कार्य भी नहीं जो हो नहीं सकता है। हाँ जी हाँ तो आप चिंता मत करिए। और अभी क्या कर रहे हो आप, खेत में कि कहाँ, घर पे कहाँ हो? खेत में बैठी हूँ जी। मैं इधर मतलब चना गेहूँ ऐसे ठेका बटाई से दूसरे हाथ बोवा लिए हैं कि एक बेटा उसके लिए कुछ करूँ करके। बहुत परेशान आप हूँ दादा चिंता मत जी, मैं करिए माता इतना रानी जी की। जान से ज्यादा परेशान हूँ कि शाम भाई सुबह भाई कर्ज वाले मेरे दरवाजे खटखटा रहे हैं, कितने और का? इतने अच्छे थे कि कुछ नशा पानी नहीं करते थे, तंबाकू का सेवन तक नहीं करते थे, ऑटोमेटिक बाहर ड्यूटी करते थे चंद्रपुर में। ये नागपुर, नागपुर चंद्रपुर। जी वहीं पे देहांत हो गया 2 दिन में, रक्षाबंधन के 2 दिन बाद। तो देहांत हुआ या किसी ने कुछ कर दिया उनको? नहीं, ऑटो नॉर्मल तबीयत खराब थी उनकी, और मैं भी गई थी नागपुर लेके आई थी वहां चंद्रपुर से। हॉस्पिटल में एडमिट किए 12 बजे रात को, और दूसरे दिन 2 बजे 2:30 बजे दिन में खत्म हो गए वे। ठीक है, जो विधाता का लेख था वो तो कना घटित हो ही गया। और किसी का कुछ नहीं करे हमने, मतलब दे के खाए लेके नहीं खाए, लेकिन और सब हो सके तो किसी का भलाई करे हमने, लेकिन गलत काम नहीं करे, लेकिन हम मेरे साथ ये तो बुरा हादसा हुआ जी। बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गए हैं हम अब घटना तो घटित हो गई है, उससे अपन बदल तो नहीं सकते। जी जी लेकिन कर्जा लिया, कोई गुनाह नहीं किया है आपने? जी कर्जा लिया, कोई गुनाह नहीं किया है? कौन, कितना कर्जा है टोटल? वो मतलब इतना चाहत थी हमारे यहाँ जी, हमारे पति देव की, कि पूरा कुटुंब परिवार के लिए। अभी हमने देव काम करे थे जो बोलते हैं बेल कटाई होती परिवार की, उसके लिए तो हमने सब परिवार को महादेव ले गए, देव लेके गए धुलने के लिए। फिर जब हमारे हमारे बॉय तो अकेले के रिक्शे से कर रहे थे कि कहीं पड़ेहारी दिखा रहे थे, तुम्हारे बोले देवई धामी निकल रहे, देवई धामी ऐसे कैसे देव धामी, तो पड़ेहारन ने बोले कि नहीं बेल कटवाना पड़ेगा तुम्हारे, देव धामी का छाटन करवाना पड़ेगा। भाई तो क्या करना, कर्जा लेके करवा दे क्या? तो अब ये इतने दयालु थे कि क्या बताऊं। अब बोले मैं प्राइवेट नौकरी अच्छा भला हो जाएंगे अपन, बोले तो मैं नौकरी करके सब फिटा दूंगा, बोले थोड़ा सा लोन भी ले लिए थे, और ऑटोमेटिक पैसे इतने आ रहे थे। वो तो आज हमने 1 साल पहले देव काम करवाए हैं जी, लेकिन 4 6 साल पहले से प्राइवेट नौकरी कर रहे हम, मात्र 2 3 परिवार 25,000 20,000 मेरे हाथ में पेमेंट आती थी, वो पैसे ना उनसे रुकते थे ना मेरे से, जाने का रास्ता बना कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक। दो तीन LIC थी अपने आप, उनको भी टूटवा दिए, जबकि कोई नशा पत्ती नहीं, कोई मांस मछली नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी होते रहा। और बहुत अच्छा कमाते थे, ऐसा नहीं ले क्या होता है, गांव में जी कुछ सूक्ष्म विद्याएं भी होती हैं। ये सूक्ष्म विद्याएं भी शत्रु के रूप में कार्य जी करती हैं। और जी वो जो घटना घट गई, जो घट गया उसको तो अपन वापस नहीं ला सकते हाँ हैं। हाँ जी ये तो अपन मान रहे हैं बस कि वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे की जो अपनी जिंदगी बची है और एक बेटा है, तो उसका भविष्य के लिए बस सोच रहे हैं जी अपन। आपने माता रानी का व्रत करना चालू करो। जी छिंदवाड़ा कितना दूर है वहां से? छिंदवाड़ा यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर और वहां से सिवनी?
सिवनी पड़ जाएगा ऐसे 50-60 किलोमीटर। तो आप सिवनी चले जाओ क्या, जी और वहां से माता रानी की पूजा आराधना की पद्धति लेकर और जी पूजा करना चालू कर दो आप। जी 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 मैं आपको लिंक नंबर दे दूंगा उनका, लगे तो जी 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 बिल्कुल जी वहां पे जो माता जी है ना उनके पास चले जाओ आप, जी और उनसे बोल उनके उनसे मार्ग लेकर जी और भक्ति चालू कर दो आप। जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत माँ बगला मुखी का आशीर्वाद बना बना रहे। रहेगा, और चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो, आप जी माता रानी की कृपा से सब बढ़िया होगा, आप निश्चिंत रहो, आप करो माता रानी की पूजा आराधना। जी मैं बिल्कुल आराधना करूंगी और उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। ये हाँ हाँ नंबर बढ़िया से मैं आपको बढ़िया। कॉल करूंगी, मुझसे जो सहयोग बने। अगर कोई भक्त मध्य प्रदेश की सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नागपुर के पास का है और वह माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद लेना चाहता है तो वह सिवनी में स्थित माँ बगलामुखी पीठ जाकर भी पूजन हवन और गुरु माता से भविष्यवाणी करवा सकते हैं।